हेलो दोस्तों तो आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं वो है आपके ए, प्रैक्टिस की वीडियो है तो आज शाम तक आपको पाइप एंड टंकी की भी वीडियो मिल जाएगी तो आज जो प्रैक्टिस की वीडियो है इसको हम लोग देखो शुरू करते हैं और आप क्या करना वीडियो को पॉज करना और उस क्वेश्चन को लगाना जब ना आए तब आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करना ठीक है तो आज हम लोग जो क्वेश्चन शुरू करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा ओके स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन नंबर पहला ठीक है आप वीडियो पॉज करो और वीडियो को क्वेश्चन uh, को आप लगाओ इसको ठीक है तो देखो क्वेश्चन मैं फटाफट -फड़ बताता हूँ देखो एक बट्टी तीन एक बट्टी चार एक बट्टी पाँच और एक बट्टी छः ये था क्वेश्चन में ठीक अब मैंने क्या क्या कि, कि उस उसपे पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए तो आप कुछ नहीं इनका एल्थीएम ले लो छ पाँच चार तीन का एल्थीएम होगा सिक्सटी अगर एल सी इनका सिक्सटी होगा तो ये कितना बनेगा ट्वेंटी ये बनेगा फिफ्टीन ये बनेगा ट्वेल्व ये बनेगा टेन टोटल कितना फिफ्टी सेवन ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक तो इसको करते हैं हम क्लीन आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर दो पे क्वेश्चन नंबर किस पे दो पे ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ठीक तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सही पर तीन अंक और गलत पर दो अंक तीस प्रश्न हल करने और नंबर कितने आते हैं तो एलिगेशन यूज करते हैं मैं कहता सभी के सभी जो प्रश्न है सभी के सभी क्या है प्रश्न जो तीस के तीस है वो बिल्कुल सही है तो मेरे नंबर कितने बनते हैं नब्बे मैं कहता हूँ तीस के तीस प्रश्न मेरे गलत है तो नंबर कितने आते हैं माइनस में साठ और यहाँ अर्जित कितने कर रहा है चालीस तो नब्बे में से चालीस गई हैं पचास बचा और चालीस में से माइनस के साठ गई हैं कितने बचे देखो चालीस में से माइनस माइनस के साठ खत्म गए तो चालीस प्लस माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया इस सौ पाँच एक पाँच पाँच एक पाँच पानी दस यही आएगा ठीक ये आया न, दस तो टोटल तो कितने थे क्वेश्चन तीस तीस वैल्यू किसकी हो जाएगी दो और एक

पूरी देख सकते हो मैं कह रहा हूँ पी तथा क्यू किसी टंकी को बारह और पंद्रह मिनट में पी बारह में क्यू में एल सी एम साठ बारह यही हो गया दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तीन मिनट बाद पहला बंद कर दिया जाता तीन मिनट बाद कौन सा बंद कर दिया जाता पहला तो एक बात होता है तीन मिनट तक ये दोनों चले तीन मिनट तक क्या हुए ये दोनों चले तो तीन मिनट तक अगर दोनों चलेंगे तो पांच और चार नौ नौ अगर तीन मिनट तक चले तो ये कितना काम कर चुके सत्ताइस कितना काम कर चुके हैं सत्ताईस अब अगर सत्ताईस काम हो गया कितना काम हो गया सत्ताइस काम हो गया ठीक काम कितना करवाना है साठ तो बचा हुआ काम कितना है थर्टी थ्री अब थर्टी थ्री काम में हुआ क्या पहला बंद यानी ए चला गया बचा कितना चार तो चार को इसको टाइम कितना लगेंगे एक, एक बट्टे चार मिनट एक सही एक बट्टे चार क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आते हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये एवरेज का क्वेश्चन है सॉरी हाँ औसत का ही क्वेश्चन है ठीक है इसको देखो मैं कह रहा हूँ चौदह लड़कियों और उनके अध्यापक की औसत उम्र कितनी है पंद्रह है अगर अध्यापक की उम्र को शामिल नहीं किया जाता तो एक साल औसत आयु क्या हो जाती कम इसको आप बिना पेन कॉपी के भी निकाल सकते मैं कह रहा हूँ कितनी चौदह औसत पंद्रह था कितना कम होगा एक तो बचा कितना चौदह उनका औसत पहले कितना था पंद्रह तो आंसर कितना आ जाएगा ट्वेंटी नाइन आंसर इसका कितना आ जाएगा ट्वेंटी नाइन ये तो हो गया साइंस से क्वेश्चन ठीक है लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक लगाऊं ठीक है इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूं बेसिक लगाऊं तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं हम क्वेश्चन को ठीक है मैं क्वेश्चन में क्या कहा मैंने चौदह लड़कियों और एक अध्यापक यानी तो टोटल कितने लोग हुए पंद्रह पंद्रह का औसत कितना है पंद्रह तो योग कितना होगा दो सौ पच्चीस योग कितना होगा दो सौ पच्चीस मैं कहता हूँ अध्यापक की उम्र को शामिल नहीं किया गया तो लोग कितने हुए चौदह लड़कियां हुई और एक साल औसत कितनी हुई कम तो पंद्रह थी एक कम होगी कितनी बची चौदह 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 एक सौ छियानवे दो सौ पच्चीस में छियानवे के बच्चे कितने उनतालीस यानी जो अध्यापक होगा उसकी उम्र कितनी होगी उनतालीस वर्ष जो अध्यापक होगा उसकी उम्र कितनी होगी उनतालीस वर्ष ठीक तो इसको करते हैं हम लोग क्लीन आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फाइव पे ठीक क्वेश्चन नंबर किस पे फाइव पे देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्वेश्चन के एक वस्तु तो की बनाने की कीमत यानी उसका सीपी कितना है नौ सौ टेन परसेंट छूट दी और पच्चीस परसेंट यहाँ प्रॉफिट होगा पच्चीस परसेंट क्या होगा यहाँ प्रॉफिट होगा कमाता है तो अंकित मूल्य क्या होगा इस क्वेश्चन में देखो तो आपको पता है डिस्काउंट किस पे मिलता है एम पी पे मार्केट प्राइस पे एम पी पे डिस्काउंट मिलता है यानी डन नाइन तो अगर इस पर डिस्काउंट मिलता है ये चीज क्या होती है सेल होती है यानी मूल्य होता है अगर क्रेमूल पे हम प्रॉफिट कमाते वो भी क्या होता है बिक्रीमूल होता है तो हमने माना सी पी यहाँ इतना तो उस पर प्रॉफिट कितना है वन टू फाइव बट्टे सो तो ये भी क्या होगा एस पी होगा सौ से सौ खत्म ये खत्म अठारह ये तेईस सॉरी पच्चीस कितने पच्चीस तो यहाँ एम पी अपन सी पी वैल्यू कितनी बनी ट्वेंटी फाइव अपॉन अठारह और सी पी दिया कितना है नौ सौ वैल्यू किसकी होगी अठारह की एम पी का मन कितना चाहिए पच्चीस पचास और पच्चीस पंचे 1252 आंसर कितना आ जाएगा कि इसका 1250 तो प्रैक्टिस बैच है आप सब क्वेश्चन आप को ट्राई करो उसके बाद जब ना आए तो उसको वीडियो में कंटिन्यू करना और कम से कम टाइम में क्वेश्चन लगाने का ट्राई करो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे क्वेश्चन नंबर किस पे 7 पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन 7 कह रहा है कि एक ठेकेदार 124 दिन में ठीक करने का ठेका लेता एक सौ बीस क्या करते हैं हम काम पे लगाते हैं चौसठ दिन बाद मैंने काम का कितना भाग पूरा हुआ दो बट्टे तीन मैं कह रहा हूँ इसमें से कुछ लोग क्या किए निकाले गए तुम्हारे एक सौ बीस में से मैंने एक सौ लोग निकाले कितने लोग निकाले एक्सो लोग निकाले ठीक तो अब एक सौ बीस दिन का ठेका था ये नकल गए एक सौ चौबीस में से चौसठ दिन हो चुके दिन बचे कितने होंगे मेरे साठ और काम बचा कितना होगा दो बट्टे का। एक बट्टे तो तीन से तीन हो गया सौ बीस खत्म हो गया ये से ये खत्म हो गया तो एक सौ बीस माइनस एक्स बराबर कितने आए चौसठ ये एक्स उधर गए एक सौ बीस में से चौसठ माइनस तो एक सौ बीस में से चौसठ गए कितने बचे छप्पन एक सौ बीस में चौंसर कितने के छप्पन आंसर कितना आ आ जाएगा आ जाएगा आंसर इसको ठीक तो इसको करते हैं हम लोग क्लीन आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर आई थिंक एट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर एट टाइम एंड वर्कर का क्वेश्चन है टाइम एंड वर्कर का क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है ठीक तो इसको हम लोग लगाते हैं देखो क्या कह रहा है एक राशि को कितने दिन के लिए इक्कीस दिन के लिए और 20 राशि को कितने दिन के लिए अट्ठाईस दिन के लिए पर्याप्त है तो कितना हुआ इसका देखो सात तीय इक्कीस और सात चौको अट्ठाइस तो सात इंटू तीन इंटू चार चारतीय बारह बारह सत्ती चौरासी तो इक्कीस 4 चौरासी और अट्ठाइस चौरासी ठीक अट्ठाइस कितने हो गए चौरासी हो गए ठीक अब मैंने क्या कहा दोनों दोनों को समान वेतन के दिन के लिए कितने तो कितना टोटल पर्याप्त है चौरासी दोनों को देंगे तो चार और तीन सात तो सात 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 दो नहीं चौदह सिर्फ कितने दिन के लिए पर्याप्त है दिन के लिए कितने दिन के लिए बारह दिन के लिए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा तो इसको हम लोग करते हैं क्लीन आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर नाइन देखो अरविंद ने अंकित मूल्य पर तीस परसेंट छूट के साथ एक कलाई घड़ी खरीदी और उसी खरीद मूल्य पर 40 कितना था? 100. उसने, कितने है? 30%, तो उसने उसको खरीदा कितने पे सत्तर रुपए पे लेकिन जितने उसने खरीदा उस पर बेचा कितने पे चालीस परसेंट प्रॉफिट पे चालीस तो सत्तर का अगर एक सौ चालीस प्रॉफिट निकालोगे हो गया तो सात अट्ठाइस कितने पे 98 रुपए रुपये में अगर सत्तर से 40 परसेंट प्रॉफिट लोगे तो कितने पे बेचा 98 पे ठीक कितने पे 98 एट पे तो यहाँ से से, से से अंकित मूल्य से अंकित मूल्य से कितने परसेंट तो अंकित मूल्य से ये बेची कितने पे 98 पे तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ टू परसेंट का कितने परसेंट का टू परसेंट का ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा तो इसको भी हम करते हैं क्लीन आते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक किस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टेन

तीन साल बाद ये कितनी होगी सेवन टू नाइन और क्वेश्चन में भी कितनी है सेवन टू नाइन वैल्यू सेवन टू नाइन की होगी एक e हज़ार का मान चाहिए इससे ये खत्म आंसर कितना आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा एक e हजार इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा एक हज़ार क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा यही ठीक है यही आंसर होगा तो इसको हम लोग करते हैं क्लीन ठीक आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन नंबर इलेवन होगा कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन होगा ठीक देखो तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन क्या है? अच्छा है वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है ठीक है तो इसको हम लोग क्या, है? क्या करते हैं लगाते हैं देखो क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग लगाते हैं मैंने कहा मेरे पास दो साइकिलें थी कितनी साइकिलें थी दो पी साइकिलों को मान लो एस तो मैंने कहा ये हो गई मेरी एस वन ये हो गई एस टू और दोनों मैंने खरीदी कितनी सोलह सौ में क्या हो सोलह सौ में मैं कहता हूँ यदि पहली को मैं दस परसेंट पर भेजूँ और दूसरे को मैं पच्चीस परसेंट पर भेजूँ पहली को मैं दस परसेंट पर भेजूँ और दूसरी को मैं किस पे भेजूँ पच्चीस परसेंट पर भेजूँ पर ठीक कितने पे भेजूँ पच्चीस परसेंट पर वैसे इसका मैं डायरेक्ट तुम्हें तो बता दूंगा आंसर निकलता कैसे लेकिन पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ठीक है अब यहाँ मैंने कहा कि पहली मैं माना पहली साइकिल मेरी टेन एस वन पे बेची टेन परसेंट एस वन पे ठीक है कितने पर टेन परसेंट एस वन पे मैं कहता हूँ टेन परसेंट एस वन पे भी और दूसरी भी चाहिए ट्वेंटी परसेंट एस टू पे तो हमें माना मैंने मैंने मान लिया मेरा प्रॉफिट हुआ पी कुछ तो लाभ होगा भाई जब इतने पे बेचेंगे तो कहीं तो कुछ तो लाभ होगा माना पी लेकिन मैंने किया क्या कि यदि पहली साइकिल में ट्वेंटी परसेंट पे पहली साइकिल में कितने पे ट्वेंटी परसेंट पे और दूसरी साइकिल में टेन परसेंट पे तो हमें उससे पांच रुपए देख यानी पहले जो मैं प्रॉफिट हुआ था उससे मैं कितने मिले? वाला घटाऊंगा तो बीस में से दस गई टेन परसेंट है इसमें इसमें से जब इसे घटाऊंगा तो ये माइनस का आएगा कितने का आएगा माइनस का आएगा इसमें से नीचे वाले में से ऊपर घटाया पहले में से दूसरा समय का ठीक तो ये माइनस का टेन एस टू पी से पी खत्म ये बचा कितना पाँच पी से पी खत्म बचा कितना पाँच तो यहाँ से हम इसका टेन परसेंट क्या ले लें कॉमन ले लें टेन परसेंट क्या ले लें कॉमन ले लें ले। तो यहाँ बचा क्या एस वन माइनस एस टू बराबर कितना पाँच कितना बचा पाँच अब टेन परसेंट को मैं लग लू दस बट्टी सौ या एस वन माइनस एस टू बराबर फाइव तो एस वन माइनस एस टू जीरो से जीरो

निकाल लेते अलग-अलग अगर आप सीपी भी उनका अंतर भी कितना बनेगा पचास ही बनेगा कितना बनेगा पचास बनेगा ये तो इसका बेसिक है अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लगाना है तो देखो डायरेक्ट आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन की विशेषता होगी देखो मैं बता देता हूँ क्या बीस टेन और बीस टेन। ये वैल्यू हमेशा तो इक्वल मिलेंगी तो बीस और इसका अंतर दस होगा इसका अंतर दस होगा और इनका ये प्रॉफिट कितना है पांच रुपए तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ पांच का निकालना आपको तो क्या करना है का तो जी सॉरी पांच इधर एक टेन परसेंट इक्वल टू फाइव करना है और सौ परसेंट निकालोगे तो पचास ही निकलेगा कितना निकलेगा फाइव इंटू टेन इंटू सौ करोगे तो ये कितना निकलेगा पचास रुपए निकलेगा ये इसका डायरेक्ट हमेशा यही इक्वेशन बनती है इन क्वेश्चनों को करने की ये आपको हमेशा इनका अंतर सेम मिलेगा और यही इसका बेस्ट तरीका होता है लगाने की दो इक्वेशन बना के क्वेश्चन होता है ठीक तो इसको हम लोग करते हैं क्लीन आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक कौन से क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे आए थे क्वेश्चन नंबर बारह होगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बारह ठीक देखो चीनी का मूल्य कितने परसेंट कम होने से दस परसेंट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दस परसेंट मैंने कम किया भाई तो दस से नौ कितना हो गया दस से नौ हो गया अब एक ग्राम क्या करता है कि पांच किलोग्राम चीनी दो सौ सत्तर रुपए में अधिक खरीद सकता है कितने रुपए में दो सौ सत्तर रुपये में क्या कर सकता है अधिक खरीद सकता है दस परसेंट कम होने से तो ये तो हो गया मूल्य तो खपत कितनी होगी नौ से दस कितनी होगी नौ से दस तो यहाँ पहले कितना कर रहा था पांच, कितना कर सकता है पांच, तो एक 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 अंतर आएगा एक का एक बराबर वैल्यू किसकी तो तो किलोग्राम तो बाद की बात करेंगे तो ये पांच वैल्यू एक की दस का मान निकालोगे कितना पचास किलोग्राम कितना पचास किलोग्राम अब मैं पूछूं प्रति किलो मूल्य और कम कीमत के मूल्य का अंतर क्या है तो ये बताओ दोनों बार रुपए कितने ले गए दो सौ सत्तर कितने दो सौ सत्तर रुपये ले गए भी दो सौ सत्तर ले गए यहां भी दो सौ सत्तर ले गए पहले हम लेके आए थे पैंतालीस के जी अब हम लेके आए पचास के जी ठीक तो नौ तीय सत्ताईस नौ पंचे पैंतालीस पांच एक पाँच 5 इक्के तीस यानी पहले जो भाव चल रहा था वो मेरा कितना था छ रुपये प्रति के जी लेकिन जब ये क्या हुआ कम हो गया मूल्य क्या हो गया कम हो गया और स्वाभाविक सी बात है जब मूल्य कम हो जाएगा तो आप उतने रुपए में चीज ज्यादा लेके आओगे तो से पचम पच्चीस बट्टे दो बटे पांच कितने दो बटे पांच ठीक है या जो भी करना है कर लो इसको सौ बीस दूनी चालीस यानी पांच रुपये चालीस पैसे कितने रुपए पाँच रुपये चालीस पैसे अरे सत्ताईस में पाँच का तो पाँच रुपये चालीस पैसे भाव चल रहा था उसका कितना पाँच रुपये चालीस पैसे तो छः रुपये में से अगर मैं पाँच रुपये चालीस पैसे घटा दूँ तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा जीरो या छः इनके रुपये का अंतर कितना आ जाएगा साठ पैसे इनके रुपए के बीच का अंतर कितना आएगा इन दोनों को मूल्य के बीच में कितना अंतर आएगा अरे ये छः रुपये चलेगा और ये चलेगा पांच रुपए चालीस पैसे के हिसाब से ठीक तो इनके बीच के मूल्य कितना अंतर आएगा साठ पैसे कितना आएगा साठ पैसे ठीक इनके बीच के मूल्य का अंतर कितना आएगा साठ पैसे इनका अंतर आएगा ठीक इनके बीच का अंतर कितना आएगा साठ पैसे यहाँ देख लो इसको ठीक है बीच का अंतर कितना आएगा साठ पैसे आएगा ठीक इसको करते हैं हम लोग क्लीन आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है क्वेश्चन नंबर बारह हो गया क्वेश्चन नंबर तेरह पे आते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर किस पे तेरह पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर तेरह ये रहा ठीक क्या रहा? ये रहा, ठीक? तो देखो क्या रहा, एक काम को पांचवे दिन में एलसीएम कितना हो गया साठ बारह पंच पांचेगा पांच और पान दुनिया दस बारह मैं कह रहा हूं ए की क्षमता पांच बी की क्षमता चार की क्षमता पांच बी की क्षमता चार पांच चार नौ नौ में कितना जोड़े कि भाई बारह हो जाए तीन कितना जोड़े तीन तो तीनों की क्षमता ये आ गई अगर तीनों की क्षमता नौ सौ साठ है तीनों के रुपए कितने मिले 960 याद रखना टाइम एंड वर्क में जब भी रुपए डिवाइड होंगे कितनी थी पांच बारह छियानवे आठ पंचे चालीस तो एक को कितने, तो कितने रुपए मिलेगा चार सौ रुपए कितने रुपये मिलेंगे चार सौ रुपये का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा अब इसको करते हैं हम लोग क्लीन अब क्वेश्चन नंबर आई थिंक हम लोग आगे फोर्टीन पे क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम लोग फोर्टीन पे तो देखो फोर्टीन क्वेश्चन को कैसे करना है ठीक अब यहाँ देखो मैं क्या कह रहा हूं कीमत की कमी की वजह से एक व्यक्ति तीन एक पांच में के बजाय एक रुपए में खरीद सकता है मूल्य में लगभग में कमी क्या हुई है मूल्य में जो लगभग में कमी क्या हुई है पहले रुपए था एक दशमलव दो में क्या था एक दशमलव दो पाँच में अब कितने हो गए एक रुपये हो गए ठीक एक व्यक्ति सेब में कीमत के कारण एक व्यक्ति तीन सेब तीन सेब एक दशमलव पच्चीस रुपए की वजह से कितने में खरीद रहा एक खरी है एक रुपए में खरीद सकते हैं यानी अब जो तीन सेब हो कितने रुपये में खरीद रहा है एक रुपये कितने रुपए में एक रुपए में ठीक ये परसेंटेज लगी होती है इस क्वेश्चन में खैर लगभग में पूछा गया तो चलो निकाल लेते हैं व्यक्ति कितने से तीन से एक दशमलव पाँच रुपये से अपेक्षा इतने तो में खरीद सकते मूल्य में लगभग में कमी की प्रतिशत क्या है ठीक प्रतिशत की कमी क्या है तो पहले क्या हो रहा था समझना देखो क्वेश्चन सरल तो है लेकिन उतना ही टिपिकल भी है उधर उधर का क्वेश्चन मिला के ठीक तो हम क्या करते हैं पच्चीस या पचहत्तर नहीं आएगा इस क्वेश्चन का आंसर देखो एक को इस क्वेश्चन को देखो करते हैं ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना था बिल्कुल इजी है ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है बस घुमाने के लिए तुम्हें ज्यादा दिया तो क्लीन करते हैं ठीक है सीधा सीधा लगाते हैं कुछ नहीं करना तीन सेब दोनों बार तीन सेब है मैं एक दशमलव दो पांच से कितने रुपए हो गई एक रुपए हो गई कितनी हो गई कितने की कमी पॉइंट टू फाइव की कहाँ से वन पॉइंट टू फाइव से और प्रतिशत के लिए सौ पॉइंट टू पाइव सौ पच्चीस सेकंड पच्चीस 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 एक सौ पच्चीस पाँच पाँच दूनी दस आंसर सीधा सीधा इसका क्या था बीस प्रतिशत था ठीक है सीधा सीधा इस क्वेश्चन का क्या था बीस परसेंट था तो बस वो घुमाने के चक्कर में थोड़ा लैंग्वेज घूम गई है उस क्वेश्चन की ठीक है एक आपको किताब में मिलेगा वहाँ ये जो तो तीन सेब होगा वो ये बोलेगा कि तीन सेब अधिक खरीद सकता है तो उसमें पुराना भाव पूछा जाएगा किताब में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं ठीक है इसको करते हम लोग क्लीन आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक आई थिंक क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेसिक सा क्वेश्चन है लगाओ इसे देखो एक फल विक्रेता दस रुपए में चार की दर से और दस रुपए में पांच की दर से कुछ संतरे खरीदता है और सभी को बीस रुपए में नौ की दर से बेच देता है ठीक सभी को बीस रुपए में इसके सॉरी दो ऑप्शन लिख नहीं पाए क्या है दो ऑप्शन इसमें आ नहीं पाए तो उनको आप निग्लेक्ट करना आप इसको लगाने की कोशिश करो देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है चार रुपये चार संतरे यहाँ क्या है संतरे या सामान जो भी बोले फल है यहाँ चार में और यहाँ कितने में पाँच में दस तो आप इसको क्या करो कि हमेशा सही फल बराबर कर लो ओके तो रुपए भी बराबर हो जाते हैं लेकिन हम फल बराबर करके लगाते हैं तो हमने यहाँ पाँच का गुणा ऊपर किया या चार का यहाँ किया तो पाँचों को बीस पचास पाँच सौ को बीस चालीस ठीक है ये दो बार खरीदे तो कितने संतरे खरीदे चालीस संतरे मैंने कितने रुपए के खरीदे नब्बे के चालीस संतरे मैंने कितने के खरीदे नब्बे तो मैं नौ रुपए में कितने संतरे नौ संतरे में बीस रुपए में बेच रहा हूं ठीक है तो अब हम क्या करें इनके दोबारा बराबर कर लें हमेशा जब भी ये क्वेश्चन हो आप संतरे बराबर करते चलो कभी गड़बड़ नहीं होगा ठीक है जो भी चीज दी जाए वो बराबर करते चलो तो अब इसको देखो क्या करना है हमें नौ का गुणा ऊपर और चार का गुणा चालीस का नीचे कर लो किसका कर लो चालीस का नीचे कर लो तो जब नौ का करोगे तो तीन सौ साठ और नौ सौ दस चालीस का नीचे करोगे तीन सौ साठ और चार दूनी आठ सौ कितने आ गए आठ सौ तो ये बताओ आठ सौ दस में तो खरीद रहा था मैं बेच कितने में रहा हूँ आठ सौ में कितने रुपए की यानी दस की कहा से आठ सौ दस से प्रतिशत के लिए सौ तो जीरो से जीरो भी सौ बट्टे इक्यासी इक्यासी एक, 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 एक सही उन्नीस बट्टे इक्यासी ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा ठीक तो एक चीज ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को लगाते समय बस एक चीज याद रखो हमेशा जो फल है उन्हें बराबर करते चलो तो मैं रुपये में लाभ या हानि हमेशा अपने आप पता लग जाएगा ठीक हमेशा क्या होगा अपने आप पता लग जाएगा तो इसको करते हैं हम लोग क्लीन आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे ठीक ठीक आते हैं किस पे पे आज के लास्ट क्वेश्चन और यहाँ देखो इसका मैं टेलीग्राम का लिंक आप तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां तुम्हें इस क्वेश्चन की क्या होगी पीडीएफ भी मिल जाएगी जितने भी आज क्वेश्चन करवाए इसकी क्या होगी वहां पीडीएफ भी उपलब्ध होगी तो उनको आप ट्राई कर लेना ठीक इसी वीडियो को जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो देखो एक आदमी अठारह घंटे घुड़सवारी करता है घोड़ा बदलने के लिए कहता हूँ नब्बे कितनी नब्बे किलोमीटर की दूरी किस चाल से अठारह से मैं कहता हूँ वो कहीं नहीं रुकता कहीं नहीं रुकता तो अठारह पंचे नब्बे कितना अठारह पंचे नब्बे उसे कितने घंटे लगेंगे पांच घंटे उसे कितने घंटे लगेंगे पांच घंटे लेकिन हुआ क्या कि हर सातवें हर कितने में हर सातवें में वह कितने छह मिनट के लिए रुकता है हर सातवें में वो कितने मिनट रुकता है तो एक बात बताओ नब्बे किलोमीटर में सात के कितने भाग पड़ेंगे तो सात एक सात लगी दो जीरो सात दूनी चौदह से कितने भाग पड़ेंगे बारह कितने भाग पड़ेंगे बारह भाग ये होंगे जब वो रुकेगा बारह बार क्या होगा नब्बे किलोमीटर में वो सात सात किलोमीटर के कितने बार बारह पड़ेंगे यानी को कितने बार रुकेगा बारह बार कितने बार बारह बार जब अगर ये प्रॉपर कट जाता है ये क्या होता है प्रॉपर कट जाता है जैसे मैं यहां समझ लो मैं कहता हूँ एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक, यही बोला मैं मैं कहता हूँ चार है ये आठ किलोमीटर का है तो ये दो का ये दो का ये दो का ये दो का मैं कहता हर दो घटा देना तो आंसर कितना आ जाएगा तीन लेकिन अगर मैं यही दे दूंगी ये नौ किलोमीटर कितने किलोमीटर नौ और हर दो दो किलोमीटर पे रुकता है तो देखो दो एक दो तो दो चार दो छीक और दो आठ और बचा क्या एक किलोमीटर लास्ट में तो अगर नौ में मैं दो का भाग देंगे तो दो चार आठ ये पूरा पूरा नहीं कटा तो मतलब कितने बार रुका होगा चार बार देखो तो एक बार ये एक बार ये एक बार ये एक बार ये दो दो चार दो छ दो, दो, दो आठ और एक नौ ठीक तो ये चीज समझ में आई होगी तो इसी तरीके से हमने क्या निकाला इनका निकाला कि ये देखो जब बिना रुके चल रहा था अगर कहीं ना रुकता तो इसे कितने घंटे लगते पांच घंटे तो लगते ही प्रॉपर पांच घंटे क्या होते लगते ही प्रॉपर लेकिन ये बार रुका और एक बार रुकने पर इसे कितने मिनट लग रहे थे छह तो ये बारह छिंग बहत्तर कितने बार बारह छिंग बहत्तर बार ये रुकेगा मतलब बहत्तर मिनट तक ये रुकेगा और एक बहत्तर मिनट का मतलब क्या हुआ एक घंटा बारह मिनट एक घंटा क्या हुआ बारह मिनट तो भाई पहुंचने में टाइम कितना लगेगा पांच घंटे ये ये और घंटा मिनट मिनट कितने लगे घंटे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक तो आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं और इसकी पीडीएफ आपको चैनल के डिस्क्रिप्टिव में टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी ठीक है तो मिलते हैं कल अगर हो सका तो मैं आज शाम तक एक वीडियो जरूर डालूंगा पैट पाइप एंड टंकी की, नहीं आता तो कल आपको वीडियो पाइप एंड टंकी की मिल जाएगी तो इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाएगी आप उसको पहले ट्राई करना प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ सेव कर लेना तो मिलते हैं कल जय हिंद जय जह भारत